मुफ्ती साहब, अगर कोई सारी जिंदगी शादी ना करे तो क्या वो जहन्नम में जाएगा? जरूरत ही नहीं जहन्नम में जाने की उसको, उसकी दुनिया ही जहन्नम बनी हुई होगी। ना करे तो अगर उसको ख्वाहिश ही नहीं है, बाज दफा इंसान में ख्वाहिश ही नहीं होती, बीमारी होती है कोई, या उसको नफसियाती कोई मसला होता है, फिर तो ना करे वो। ये तो ऐसा काम नहीं है जो गन पॉइंट पे करवाया जाए किसी से, क्योंकि आगे हुकूक भी अदा करने हैं, मोहब्बत नहीं होगी तो हुकूक कैसे अदा करेगा। लेकिन बिला जरूरत अगर कोई शादी नहीं करता तो सुन्नत मुअक्कदा का तर्क लाजिम आता है, और सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला भी गुनाह के करीब पहुंच जाता है वो। आगे कह रहे हैं, तो क्या इसको जन्नत में दुनियावी लड़की मिलेगी? ये अगर ये इसमें ख्वाहिश नफ्स भी थी फिर भी ये शादी नहीं करता तो इतने उल्टे काम कर चुका होगा मरने तक कि इसके जन्नत में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। कमारा भी हो, ये बेहयाई का माहौल भी हो और बीवी भी ना हो, तो इतना नेक मार्केट में आजकल कोई है नहीं। बहरहाल अगर ये बुराइयों से बचता है तो चला जाएगा, फिर कौन सी मिलेगी? हो सकता है अल्लाह कहे कि तू दुनिया में तूने कमारेपन पे समझौता कर लिया था तो तेरे लिए खुसूसी पैकेज है कि तू कमारा ही रहेगा, तो सोचो कितना गम होगा, क्या ख्याल है? इसलिए बेहतर है कि कर लो शादी।